हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। बच्चों, हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट वन में किया था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज करेंगे हम लोग 7 से लेकर 12 तक। तीसरा भी एक वीडियो आएगा, उसमें बाकी के बच्चे होंगे, तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा बच्चों, और पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। सो बने रहो, देखते रहो, लाइक कॉमेंट करते रहो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। काम वही है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1, जाना पहचाना अपना प्यारा स्टेप। स्टेप 1 क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 डालेंगे। n इज इक्वल टू 1 तो LHS में मुझे मिल जाएगा 1 × 3, दैट मीन्स 3। और RHS में अभी आप डाल के देख लो n की जगह 1, तो ये आपको मिलने वाला है 3, दैट मीन्स इट इज ट्रू। ठीक है, इट इज ट्रू। स्टेप 2 की बात करते हैं। जब स्टेप 2 की बात करेंगे तो लिखेंगे एज्यूम n इज इक्वल टू k इज ट्रू। एज्यूम n इज इक्वल टू k इज ट्रू। मान लिया हम लोगों ने, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 × 3 प्लस, बिल्कुल कॉपी कर लेना है और n की जगह 3 लिखना है। नथिंग ग्रेट इन दिस, कोई भी बच्चा लिख सकता है, कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। 2k + 1 ये हो जाएगा k, 4k² + 6k - 1 whole divided by 3। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। स्टेप 3 में लिखेंगे बच्चों हम लोग टू प्रूफ n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको कि k प्लस 1 के लिए भी हमें इक्वेशन मिलेगा इस तरीके का। तो लिख सकते हैं 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 + 2k - 1 2k + 1। k की जगह k प्लस 1 डालेंगे हम लोग, ये मिल जाएगा 2k + 1, और ये मिल जाएगा 2k + 3, ये मिल जाएगा k + 1, 4 के साथ k + 1 का स्क्वायर, 6 के साथ k + 1, ये रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ कॉम्प्लिकेटेड मामला लगे, आप ये अंदर में जो ब्रैकेट में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको पूरा ब्रैकेट खोल के यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देखो ये है क्या चीज़। ठीक है, क्योंकि हमारे को मैनिपुलेट करके वो सॉल्व करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है, तो मैं सिर्फ इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा कि मुझे क्या मिलता है। ये वाला चीज k प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 4k² + 4 + 8k, ये मिल गया। प्लस इसको खोलूंगा तो 6k + 5, ये मिला है मुझे। तो 8 + 6 = 14k हो गया, और +9 हो गया। ठीक है बच्चों, मैं चेक कर रहा हूं कि मुझे सिंप्लीफाई करने कितना मिलेगा, ताकि मैं इस टर्म को वहां पर मैनिपुलेट कर पाऊं इस स्टेप को आगे बढ़ाने में। 4k² + 16k + 9, 4k² + 16k + 9, सॉरी 16k 14k था ये ना, 8 + 6 = 14k + 9, ये वाला टर्म, ये टर्म मुझे लाने हैं बच्चों। तो मैं ये लाऊं या फिर ये लाऊं, बात एक ही है। अब मैं यहां तक की बात करता हूं, यहां तक के लिए मेरे पास टर्म्स गिवन है, ये वाला टर्म, तो मैं लिखूंगा k × 4k² + 6k - 1/3 प्लस इसकी बात करेंगे हम लोग 2k + 1 2k + 3, है ना, ये है। तो 4k, अब मैं पूरे ब्रैकेट को मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट रूट इसका कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो खोल देते हैं, 4k³ + 6k² - k होगा ये, -k + 3 times 4k² + 6k
प्लस टू के प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है, फोर के क्यूब, सिक्स के स्क्वायर और ट्वेल्व के स्क्वायर, यानी कि 18 के स्क्वायर माइनस के प्लस 6 के, तो ये हो जाएगा प्लस 5 के, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हैव टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट, नहीं तो मामला हो जाएगा ख़राब। 4 के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर माइनस के प्लस 12 के स्क्वायर, 8, 6 प्लस 2 8 इंटू 3 24 के प्लस 9 होल डिवाइड बाई 3, दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सो आई नीड मोर स्पेस ओवर हियर, मैं इसे हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। टारगेट मेरा ये दोनों टारगेट हैं, ये लाऊं या फिर ये लाऊं, एक ही बात है। तो ये मेरे को मिल रहा है 4k क्यूब प्लस 6 प्लस 12 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है बच्चों। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल यही चीज हम लोगों के पास आने वाला है, हमें टारगेट करना है 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। 18k को ब्रेक कर लेंगे 14k प्लस 4, 14 का टर्म मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैं लिखूंगा 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 14k स्क्वायर, 14k होगा, प्लस 23k को भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 14 और 9 में, क्योंकि मेरे को 14 का टर्म चाहिए, 9 का टर्म भी चाहिए। तो मेरे पास आने वाला है 14k प्लस 9k प्लस 9 होल डिवाइड बाई 3, बढ़िया, फोर के क्यूब प्लस 14k प्लस 9k, इसको मुझे एक साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि यही टर्म मुझे चाहिए, बाकी क्या बचा ये, ठीक है बच्चों, थोड़ा सही कर देता हूँ, और 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, मैंने 18k स्क्वायर को ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे 14 चाहिए और 4 भी चाहिए, 4 का टर्म भी चाहिए, 23k यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं 23 को ही ब्रेक कर दूंगा, मैं लिखूंगा 14k प्लस 9k। अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 4 क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k, है ना, ये सब टर्म्स मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि मेरे को दिख रहा है टारगेट, प्लस 4k स्क्वायर, 9k मैंने ले लिया, देखो 14k क्यूब मैंने ले लिया, 14 स्क्वायर ले लिया, 9k ले लिया, जो बच गया मैं लिख दूंगा होल डिवाइड बाय 3, यही होगा ना, ठीक है। तो k कॉमन ले लो, दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, होल डिवाइड बाय 3, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, तो दिस इज k प्लस 1/3, यही तो मुझे चाहिए, एग्जैक्टली वही आया है जो बच्चों मुझे चाहिए, क्योंकि टारगेट जब सामने हो और टारगेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। सो बच्चों इस स्टेप को केयरफुली नोट करना है आपको, और इस पूरे को आप लोग मैच करा के देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है कि नहीं, आपको सब में ऐसे ही काम करना है बच्चों, कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, इस स्टेप्स को फॉलो करो, कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल करो और टारगेट को ध्यान में रखो, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। तो
बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल उसी तरीके का है, बिल्कुल आराम से करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको मालूम है, ठीक है बच्चों, सो घबराने का नहीं है, आराम आराम से करना है। स्टेप 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू 2, तो LHS में मुझे मिल जाएगा 2, और RHS में n इज इक्वल टू 1 डालना है मुझे, तो 2 मिलेगा ऑफ कोर्स, सो RHS में भी 2 आ गया, तो मैं लिखूंगा इट्स ट्रू बच्चों, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 में बच्चों वही काम करना है, एज्यूम इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, एज्यूम इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, प्लस k 2k, k माइनस 1, 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2, ये मिल गया है। तो अब मैं लिखूंगा स्टेप 3, टू प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, अब हम k प्लस 1 के लिए काम कर लेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब चलता रहेगा, k 2k प्लस k प्लस 1, 2 टू द पावर k प्लस 1, ये k प्लस 1 ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये मिला है मुझे, ठीक है बच्चों। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ तक जो चीज़ें हैं उसके लिए मेरे पास तो फार्मूला है, ठीक है, यहाँ तक के लिए आई एम वेरी वेरी ओके, वेरी मच ओके विद दिस, यहाँ तक का फार्मूला एग्जैक्टली डाल दो भाई, दैट मीन्स k माइनस 1 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 2 टू द पावर k प्लस 1, ठीक है बच्चों, प्लस 2 भी आएगा यहाँ पे एक टर्म, इसको लिखना भूल गया था मैं, ठीक है, नहीं ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है, इस टर्म में यहाँ तक यहीं तक आएगा, k की जगह k प्लस 1, k की जगह 2k प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये टारगेट है हमारा, ये मुझे चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो मेरे को मिल जाएगा, देखो ये k प्लस 1 माइनस 1 है, यानी कि पूरा का पूरा क्या k ही तो है, सो k इंटू k प्लस 2 है ये, सो बी केयरफुल, k प्लस 2 आने वाला है हमारे पास, ये हो जाएगा k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2 k प्लस 1 प्लस 2 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1। तो बच्चों कुछ टर्म्स हैं जो कटेंगे, कटने वाले हैं, देखो ये टर्म कट गया, ये और ये कट सकता है, ठीक है, मेरे पास 1, 2, 3 टर्म हैं अभी भी, तो इन दोनों टर्म को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली वही k इंटू k टू 2 प्लस, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा, k प्लस 1 गया k प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो गया, तो ये एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए, ठीक है बच्चों, तो यस इट्स ट्रू, प्लीज मेक ए नोट। आगे करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, यस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 टू द पावर n, ठीक है बच्चों, ध्यान से करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स, कोई भी चेंज या नहीं है बच्चों, इसीलिए घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप 1, n इज इक्वल टू 1, LHS में n इज इक्वल टू 1 क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2, दिस इज 1/2, RHS की बात करते हैं, यहां पे ये डंडी गायब है, ऐसा
RHS में लिखो n इजिकल टू 1, तो मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, स्टेप 2, एज्यूम इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं ये ट्रू है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 अपॉन k 1 माइनस दिस k। बढ़िया है। हाँ, तो हमें करना क्या है बच्चों, हमें यहाँ पर एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, अब हमें स्टेप 3 में जाना है। वेरी सिंपल, जो पहले भी कर चुके हैं, नथिंग न्यू इन दिस। स्टेप 3 में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू प्रूफ n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 दिस वन। ठीक है, ये करने वाले हैं हम लोग। तो यहां पर हमारे को यहां तक के लिए तो गिवन है ये वाला चीज, तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, ठीक है, अब हमें प्रूफ करके ये लाना है 1 माइनस 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो यहां पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 अपॉन 2 टू द पावर k, 1 अपॉन 2 टू द पावर k, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, तो हमें मिल गया 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 के, 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर k प्लस 1, ये मिल गया हमको। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग, इजी है, सुपर इजी है, देख लो जल्दी जल्दी एंड मेक ए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 1 अपॉन 2.5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इज इंटू 11। इसके लिए काम करना है बच्चों हमारे को, तो करते हैं आगे, देखते हैं। हमारे पास है स्टेप 1 अगेन, मैं तरीके सिखा के रहूंगा आपको पूरा का पूरा। स्टेप 1 मीन्स n इज इक्वल टू 1, सो पहला टर्म मेरे को मिल जाएगा 2 इंटू 5 1 अपॉन 10, और RHS मिल जाएगा 1 अपॉन 10, तो लिखेंगे इट्स ट्रू। बढ़िया, इट्स ट्रू है हमारे लिए। स्टेप 2 की बात करते हैं, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे एज्यूम इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हो गया। अब k प्लस 1 की बात करेंगे हम लोग स्टेप 3 में, ठीक है बच्चों, k की जगह k प्लस 1 तो डालना ही पड़ेगा ना। तो आपको टारगेट क्या है, इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, और यहां तक की चीजें तो आपको गिवन है, यहां तक की चीजें मेरे को गिवन है, सो बी केयरफुल। यहां तक के लिए मैं सीधा सीधा इसी को डाल दूंगा, दैट मीन्स के अपॉन 6k प्लस 4
थ्री के प्लस टू, थ्री के प्लस फाइव। ठीक है, इसको प्रूफ करते करते सॉल्व करते करते मेरे को ये ले आना है ना, सिंपल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे टू कॉमन लेते हो तो थ्री के प्लस टू मिलेगा, थ्री के प्लस टू यहाँ भी तो है, सो वी कैन डू वन थिंग, वन अपॉन थ्री के प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो जाएगा के बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री के प्लस फाइव। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमको वो लाना है जो कि आने ही वाला है, इसको हटा देता हूं मैं। नाउ वी कैन राइट इट केयरफुली, दैट टर्म वी आर लुकिंग फॉर दैट टर्म। वन अपॉन थ्री के प्लस टू, थ्री के स्क्वायर, प्लस फाइव के प्लस टू। होल डिवाइडेड बाय टू टाइम्स थ्री के प्लस फाइव। बढ़िया, तो मेरे को मिल गया थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस टू। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूं थ्री के स्क्वायर, ये हो गया सिक्स के स्क्वायर, दैट मीन्स थ्री के प्लस टू के दिस इज थ्री के स्क्वायर। अब मैं यहां से थ्री के कॉमन ले लूंगा तो के प्लस वन आने वाला है, ये हटा दिया मैंने यहां तक, आई हैव टू राइट इट हियर। इसे नहीं हटाया क्योंकि ये मेरा टारगेट है, मुझे दिखना चाहिए मेरा टारगेट। सो दिस इज थ्री के कॉमन, देखिए हो जाएगा के प्लस वन, टू कॉमन के प्लस वन अपॉन ट्वाइस थ्री के प्लस टू, थ्री के प्लस फाइव। तो के प्लस वन अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा थ्री के प्लस टू ट्वाइस ऑफ थ्री के प्लस टू, थ्री के प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, सिक्स के प्लस टेन। ठीक है ना, ये फाइव है तो सिक्स के प्लस टेन यही तो चाहिए था, ये सिक्स के प्लस टेन ही तो है। ठीक है बच्चों, सो रिजल्ट आएंगे, स्टेप्स को सही सही फॉलो करो, रिजल्ट आने ही आने हैं। प्लीज मेक ए नोट, इलेवेंथ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, स्टेप वन टू थ्री को ही फॉलो करना है, कुछ भी चीज़ नया नहीं है, बस कैलकुलेशंस के टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्टेप वन, एन इज इक्वल टू वन, तो वन टू थ्री ये वन अपॉन सिक्स, एलएचएस में आपको मिल गया वन अपॉन सिक्स। आरएचएस की बात करते हैं, एन की जगह वन डाल देते हैं तो ये फोर हो जाएगा, वन इंटू फोर ये टू और ये थ्री, ये हो गया वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन सिक्स दैट मीन्स इट्स ट्रू। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। स्टेप टू, एज्यूम इट्स ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, वन टू थ्री प्लस टू थ्री फोर प्लस थ्री फोर फाइव प्लस के, के प्लस वन के प्लस टू, दिस इज के, के प्लस थ्री दिस इज के प्लस वन के प्लस टू। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल। अब हम लोग काम करेंगे के प्लस वन के लिए, तो स्टेप थ्री,
स्टेप थ्री में क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ तक के बाद k प्लस वन कर देंगे सब जगह, तो लिख सकते हैं 1, 2, 3 प्लस 2, 3, 4 प्लस 3, 4, 5 प्लस के के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 This one. ये मेरा टारगेट है, मुझे लाना है यहां तक की बातें, यहां तक वाली चीजें वही है जो ऊपर है, बिल्कुल सेम है। तो इस पूरे की जगह मैं ये छाप देने वाला हूं, यही आपको लिख देना है, टू कॉपी, बिल्कुल इसमें कुछ करना नहीं है। तो आप लिख डालो यहां से यहां तक, इसको हटाओ और ये वाली चीजें आप यहां डाल दो, तो हमारे को मिल जाएगा के इंटू के प्लस 3 4 टाइम्स के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस, ये तो है ही हमारे पास, सॉरी ये टर्म नहीं होगा यहाँ पे, के प्लस 2 और के प्लस 3 होगा, ये टर्म नहीं होगा, सॉरी दिस टर्म्स नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। के प्लस 2 और के प्लस 3 होगा, क्योंकि के को मुझे के प्लस 1 से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। तो के प्लस 1 डालेंगे तो के प्लस 2 हो जाएगा, ये के प्लस 3 हो जाएगा। सो 1 अपॉन यहां पर ना k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1, ये k प्लस 1 हो गया, k प्लस 2 हो गया, k प्लस 3 हो गया, ठीक है बच्चों। और इसके लिए मेरे को गिवन है उधर, सो वी कैन राइट k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। तो यहां से दो चीजें तो कॉमन आ गई, 1 अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो मेरे पास बच गया k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 टाइम्स प्लस 1 अपॉन k प्लस 3, ये बच गया मेरे पास। इसका मैं अब एलसीएम ले लूंगा तो बड़े आराम से आने वाला है, ठीक है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी अ इजी वन। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, एज इट इज लिख देते हैं k प्लस 2, तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 इंटू के प्लस 3, दिस वन। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब मैं इसके ब्रैकेट को खोल दूंगा तो हमारे को ये चीजें मिल जाएंगी, 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 This one. यहां पे मेरे को k क्यूब का टर्म मिलने वाला है 6 के, ये ब्रैकेट है बच्चों, यहां तक ब्रैकेट खोलने वाला हूं मैं। सो 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, ये k क्यूब हो जाएगा प्लस 6 k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 k प्लस 4, दिस वन। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि हमारे को चाहिए तो ये k प्लस 1 k प्लस 2 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3, यानी कि यहाँ पे k प्लस 1 का कोई काम नहीं है, कटने वाला है। मुझे को नीचे में 4 चाहिए, 4 आ रहा है, k प्लस 2 चाहिए, k प्लस 3 चाहिए, दोनों टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पर k प्लस 1 और k प्लस 4 मुझे चाहिए। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं बच्चों, यहाँ 4 टर्म है, आपको ध्यान देना है, देयर आर 4 टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस, के क्यू प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 4, और हमारे को लाना तो ये है। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे के स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ क्यूबिक का टर्म है, तो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा मिलता क्या है। मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्लस
फोर के प्लस के प्लस फोर, दैट मीन्स के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर, ये मिल रहा है मुझे। यानी कि ये वाला टर्म यहाँ पे है, कहीं पे है जो छुपा हुआ है, इस टर्म को मुझे यहाँ पर खोजना पड़ेगा। के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर, वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू, ठीक है। तो ये टर्म मुझे कैसे मिलेगा और ये टर्म, इस दो टर्म में क्या रिलेशन है, आपको इस टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। और k प्लस वन आपको यहाँ पे नहीं चाहिए बच्चों, यानी कि k प्लस वन का टर्म यहाँ पे न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। यानी कि k प्लस वन अगर होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। यानी कि हमारे को चाहिए न्यूमरेटर में जो आने वाला है वो आने वाला है k प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू k प्लस फोर, ठीक है। इस पूरे को आप खोलोगे तो आपको यही मिलने वाला है, चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू के प्लस फोर, ठीक है। यहां से मैं चेक कर रहा हूं कि वास्तव में ये पूरा का पूरा यही है, तो ये मेरे को मिल जाएगा के क्यूब प्लस फोर के स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है इससे आपको रिलेशन मिल चुका है, यानी इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं k प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू के प्लस फोर। इसको आप खोल के चेक कर लो, पूरा का पूरा यही आने वाला है। तो ये के प्लस वन एक टर्म कट जाएगा, तो एग्जैक्टली वही मिल रहा है जो हमारे को चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, आपको आइडिया लग चुका है कि हमारे को अगर ये चीज़ पता है रिजल्ट, तो इसको हम लोग बड़े आसानी से मैनिपुलेट करके ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से। प्लीज मेक ए नोट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो एक आइडेंटिटी ही है, खैर हमें उससे क्या मतलब है, हमारा काम है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री फॉलो करना और बड़े आराम से रिजल्ट को लाना। तो देखते हैं बच्चों, स्टेप वन, n इज इक्वल टू वन, यानी कि फर्स्ट स्टेप दैट इज a इटसेल्फ। तो LHS में मुझे मिल जाएगा a और RHS में मुझे मिल जाएगा n को वन डालना है, सो a इंटू आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ये ए ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं। उसके बाद स्टेप टू की बात करेंगे, तो एज्यूम करना है हमारे को, एज्यूम इट्स ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ये हम ट्रू मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के माइनस वन, ए आर के माइनस वन इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये मिलेगा हमारे को। अब हम बात करेंगे स्टेप थ्री की, जब स्टेप थ्री की बात करेंगे बच्चों, एन इज इक्वल टू के की बात करेंगे, टू प्रूफ एन इज इक्वल टू के प्लस वन, दैट मीन्स ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के माइनस वन प्लस ए आर के प्लस वन माइनस वन, ए आर टू दी पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये टू प्रूफ में है, ये जो मुझे लाना है। तो मैं क्या करूं बच्चों, यहां तक की बात तो अलग है, यहां तक के लिए डायरेक्ट मेरे को गिवन है, सो आई कैन पुट इट ए आर टू दी पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस ए आर के, ठीक है, ए आर के। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ला के ये बड़े आसानी से ला सकते हैं, तो ए ए तो कॉमन ले लो सबसे पहले, बचेगा क्या, आर के माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू आर टू दी पावर के अपॉन आर माइनस वन, ये बच रहा है हमारे पास। हो गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, आर टू द पावर के माइनस वन प्लस आर इंटू आर के माइनस ऑफ आर के अपॉन आर माइनस वन। तो ये वाला और ये वाला टर्म तो गया आपको, आर टू द पावर के प्लस वन, और ए तो बाहर में है ही हमारा, ए बाहर में है हमारे पास, के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ए, यही तो हमारे को लाना था,
लॉलीपॉप, प्लीज मेक ए नोट।